ओके okay. चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। ये जो इंटरफेरेंस की जो लेक्चर सीरीज अपनी चल रही है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, वेव नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करने के बाद, इंटरफेरेंस से रिलेटेड हमने जितने भी लेक्चर्स लिए और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इंटरफेरेंस को डिस्कस करने की कोशिश की, तो आज का लेक्चर जो है इसमें लास्ट या आप कह सकते हैं कंक्लूडिंग लेक्चर होगा, जिसमें सबसे पहले तो हम कुछ थिन फिल्म से रिलेटेड इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स या इलस्ट्रेशंस जो हमारे रिमेनिंग रह गए हैं उस पर बात करेंगे, और दो और अलग अलग वैरायटी ऑफ इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटीज पर कुछ डिस्कशन करेंगे, जिसमें से एक है लॉयड्स मिरर और दूसरा जो है वो है बिलिट्स स्प्लिट लेंस। तो इन कुछ रिमेनिंग एस्पेक्ट्स पर मैं डिस्कस करूंगा, सो इट विल कंक्लूड द कंप्लीट डिस्कशन ऑन द इंटरफेरेंस। आई गेस दिस विल बी द लेक्चर नंबर 21 इन द सीक्वेंस। नाउ सबसे पहले तो जो थिन फिल्म वाले अपने कुछ प्रॉब्लम्स बाकी थे, रिमेनिंग थे, उन्हें पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं। कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस आई गेस हमारे बाकी थे, वी विल ट्राई टू फर्स्ट कंप्लीट दोज क्वेश्चंस एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। सो दिस क्वेश्चन विल स्टार्ट विथ टुडे। ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं आप सभी को? साफ साफ दिखाई दे रहे हैं? यस हाँ देखिए, इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ऐसी एक थिन फिल्म है ग्लास की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसके ऊपर की तरफ एयर है और नीचे की तरफ वाटर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और फिर वाटर का 1.33 है। इसकी थिकनेस अननोन है, बट हम ये देखना चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट हमको ऑरेंज कलर की दिखनी चाहिए विद अ सर्टन वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर। अब यहां इस बात को आप थोड़ा सा रियलाइज करें कि जब हमसे ये कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर कलर का अपियरेंस ज्यादा हो, तो समझ लीजिए कि उस कलर के लिए हमको ब्राइट बैंड बनाना है, ठीक है? और जब हमसे ये कहा जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर अपियर ना हो, कोई एक पर्टिकुलर कलर जो है वो अपियर ना हो, तो समझ लीजिए कि इंटरफेरेंस में उसका हमें डार्क बैंड बनाना है। अब फिलहाल हम ये चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट हमको ऑरेंजिश कलर की नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस जब यहाँ पे इंटरफेरेंस हो तो वो कंस्ट्रक्टिव कैटेगरी का हो। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये लाइट कुछ ऐसे आ रही है, मैं थोड़ा सा हल्का सा ऑब्लिक इंसिडेंस इसका दिखा रहा हूं ताकि हमको एक फीलिंग आए। फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होके चली गई, लेट्स से कि ये हमारी रे वन है। हम देखते ही समझ जाएंगे कि इसका एडिशनल पार्ट डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई 2। भूले तो नहीं ना आप कल का लेक्चर? ये जो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये ग्लास से रिफ्लेक्ट हुई है। आ कहाँ से रही थी? एयर से। ग्लास डेंसर है, डेंसर में जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 क्रिएट करेगा। करेक्ट हो गई बात? अच्छा, कुछ लाइट रे हो सकता है पोर्शन उसका अंदर की तरफ चला जाए, तो यहाँ क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। क्या रिफ्रैक्शन में कोई एडिशनल पाथ या फेज का डिफरेंस क्रिएट होता है? नहीं नहीं होता है, ठीक है? तो उसके बाद फिर एक बार यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गई मान लो, और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आई, और कुछ हिस्सा बाहर भी गया होगा। बाहर जाने वाले या ट्रांसमिट होने वाली लाइट रे के बारे में हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जो भी मामला हमको तय करना है, फिक्स करना है, वो सब रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में हमको करना है। तो यहाँ इस पॉइंट पर ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन आप ध्यान से देखें ये वाटर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई है, तो वाटर अभी भी तो रेरर माना जाएगा ग्लास के मुकाबले में, तो क्या यहाँ पे कोई एडिशनल पार्ट डिफरेंस एक्सपेक्टेड है? नहीं है। चलिए फाइनली हम ये कहते हैं कि ये वाली लाइट रे जो है बाहर आ जाती है, समथिंग लाइक दिस, और ये हमारी हो जाती है रे 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ म्यूटी, इतना एडिशनल पार्ट डिफरेंस लेकर के आती है, और वो भी म्यू किस चीज का? म्यू ग्लास का, ठीक है ना? ये वाला म्यू, बाकी के म्यू इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हमको थिन फिल्म ग्लास के रेफरेंस में यूज करनी है।
अब आप गौर करें बेटा, इस पूरे प्रोसेस में अगर हम इफेक्टिवली जो टोटल पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। करेक्ट हो रही है बात? हाँ। हम ब्राइट बैंड की बात करेंगे क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कलर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर रेफर करें तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस की कंडीशन हो जाए एन लैम्डा। ठीक है, अब मिनिमम थिकनेस को जब हम रेफर करते हैं तो जाहिर बात है यहाँ पर ये जो एन का वैल्यू है ये कितना लेना जीरो पड़ेगा, वो 0। वेरी गुड, तो पार्ट डिफरेंस की जगह पर हम मेंशन करने लग जाएंगे 2 μt माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा, का मतलब यहाँ पे हमें लेना है 0। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट, जिसे हम कहेंगे 2 μt इज इक्वल टू, इट विल बिकम लैम्डा बाई 2, देयर फोर टी विल बिकम इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ म्यू, देयर फोर टी इज इक्वल टू लैम्डा, हमें बताया जा रहा है 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय ये 4 इंटू 1.5। 1.5, 1.5 को अगर मैं रेशियो के पैटर्न में लिखता हूं तो ये हो जाता है 3/2। सो दिस कैलकुलेशन विल गिव मी एन आंसर ऑफ 1200 डिवाइडेड बाय 4 × 3। 4 × 3 भी 12 ही होता है ना? हंड्रेड सो 1200 डिवाइडेड बाय 12, इट विल गिव अस व्हाट, 100 यूनिट, वही फॉलो होगा नैनोमीटर, क्योंकि हमने वेवलेंथ को भी नैनोमीटर के लेवल पर ही यूज किया है। तो आपने देखा है कितना आसान और इजी आप कह सकते हो कैलकुलेशन में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए कि ये सारा मामला वर्कआउट कैसे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको इंसिस्ट करूंगा या आपको इस तरीके से गाइड करूंगा मैं कि आपने इन चीजों को याद नहीं रखना है, आपको ये चीजें बनानी आनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर इसी प्रॉब्लम में अगर यहाँ मैं वाटर की बजाय नीचे कोई ऑयल रखता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कर देता 1.5 या 1.6, 5 की बजाय 6 कर देता, तो ये जो पोर्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना लाइट का, इसमें फिर एडिशनल पार्ट डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता। तो कंडीशन कैसी दी गई है क्वेश्चन में, उसे हमने अच्छे से अप्लाई करें हमारे स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ सॉल्यूशंस को ध्यान में रखते हुए। तो आपने मोटा मोटा हिसाब किताब बस एक ही यही याद रखना है कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा वो भी डेंसर मीडियम के थ्रू, तो ही एडिशनल पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का आएगा। अदरवाइज ऑप्टिकल पाथ जो कोई लाइट जितना ट्रेवल कर रही है उतना ही उसके अंदर कंसिडरेशन किया जाएगा। ठीक हो गई बात? यस सर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाइट लाइट हम यूज कर रहे हैं जिसकी हमें एक पूरी फुल रेंज ऑफ वेवलेंथ वैल्यूज बताई गई है, 400 नैनोमीटर टू ऑल द वे इट गोज टू 750 नैनोमीटर। ऑयल फिल्म का थिकनेस हमको गिवन है, दैट इज 10⁻⁴ मिलीमीटर। रिड्यूस द वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन फॉर विच द रिफ्लेक्शन अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन इज वीक या स्ट्रॉन्ग। ये बात समझे बेटा, जब ये कहता है ना वीक रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आपने मानना है कि यहाँ पे बनना चाहिए डार्क बैंड, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस एक्सपेक्टेड होंगे। और जब ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिफ्लेक्शन हमें एक्सपेक्टेड है, तो याद रखिए कि यहाँ पे हमने बनाना है ब्राइट। ठीक है, अब इस फिल्म के ऊपर और नीचे कोई दूसरी कंडीशन हमें नहीं बताई गई है। ऊपर नीचे तो हम बस ऐसे मान लेंगे कि एयर ही है, तो ये अगर हम फिल्म ऐसे डिजाइन कर आई में से किसी सर्टन थिकनेस के साथ एक्सपेक्ट करते हैं, सो ये फिल्म की थिकनेस हो गई, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू। लेट्स से कि यहां से ये लाइट आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके जो चली गई, ये रे नंबर 1 बन गई, इसमें एडिशनल पाथ आया लैम्डा बाई 2। फर्दर ऑन ये लाइट रे थोड़ा सा नीचे, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगी, तो ये 2 हो गया। आप समझ सकते हैं इसमें आ गया 2 μt। करेक्ट है ना? सो इन अ वेरी क्विक वे अगर मैं पार्ट डिफरेंस को यहां पर लिखने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा 2 μt माइनस लैम्डा बाई 2। दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड कंडीशन। अब आपने इसे इस एंगल से सोचना है कि आपने इसको पहले वीक यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपने इसको।
तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि पार्ट डिफरेंस 2μt-λ/2 शुड बी इक्वल टू 2n-1λ/2। आप सोचें, है ना, अगर हम वीक का क्राइटेरिया लगाते हैं या फिर हम क्लेम करते हैं कि द लाइट इंटेंसिटी इज वेरी वीक आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन द सरफेस, तो जाहिर बात है वहां पे डार्क बना होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है पार्ट डिफरेंस की, वो तो यही है 2n-1λ/2। बट हमको एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ पता करनी है, तो इसमें मैं ये लिखता हूं कि अगर मैंने यहां पे पहली ही पॉसिबिलिटी सर्च की और एन का वैल्यू मैंने 1 लिया, तो ये हो जाएगा 2μt-λ/2 इज इक्वल टू λ/2। सही जा रहे हैं, बिकॉज यस आई एम मेकिंग अ चॉइस ऑफ एन टू बी इक्वल टू 1। ठीक हो रही है बात? अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाता है 2μt इज इक्वल टू लैम्डा, दैट्स इट। अब जरा कैलकुलेशन को पूरा करते हैं, आई विल जस्ट कंप्लीटिंग। लैम्डा इज इक्वल टू, ये 2 हो गया। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यहाँ बताया जा रहा है ये 14 है, तो लेट्स टेक द नंबर एज इट इज। इनटू थिकनेस हमें बताया जा रहा है 10⁻⁴ मिलीमीटर है। मिलीमीटर को अगर मैं और कन्वर्जन दे दूं यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मीटर के हिसाब से। तो ऑन दैट वे हम कह सकते हैं कि 2μt का जो वैल्यू हमको मिलता है वो मिलेगा 28 इंटू 10⁻¹। सेवन बट दैट विल गो इन मीटर, लेट्स मेक इट इन नैनोमीटर। सो आई मे एडिशनली एड 2 मोर जीरोस, 10⁻¹ मीटर, एंड नाउ दिस लैम्डा विल बी ट्रीटेड एज 2800 नैनोमीटर। तो इतनी पहली वेवलेंथ पे हम कह सकते हैं कि हमको वीक रिफ्लेक्शन मिल सकता है। बट सपोज हम ये कहते हैं कि भाई सेकेंड ऑर्डर कैलकुलेशन करें, एन इज इक्वल टू 1 लेने की बजाय एन इज इक्वल टू आप 2 लें, तो अगर आप यहां इस इक्वेशन में एन इज इक्वल टू 2 पुट अप करते हैं तो ये हो जाएगा 3λ/2। करेक्ट है ना, 3λ/2, और ये λ/2 आप प्लस करके दोबारा इधर ले आए आप। टू चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं यहाँ पे, 2μt-λ/2 इज इक्वल टू 3λ/2। तो λ/2 उधर ले जाएं आप, ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वालिटी साइन, तो ये 3λ/2 + λ/2 हो जाएगा, तो क्या ये लैम्डा वैल्यू 2λ। इसका सीधा सा मतलब हुआ लैम्डा इज इक्वल टू 2μt/2, अगली पॉसिबिलिटी का लैम्डा। ये लैम्डा और ये लैम्डा में कंफ्यूज मत करना, ये आप चाहो तो λ1 बोल दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट वॉन्ट टू लेबल देम। ये अगली पॉसिबिलिटी का वेवलेंथ हम सर्च कर रहे हैं। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो मैं देखता हूं बेटा ये 2μt, ये फैक्टर तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, कितना आया 2800, है ना। 2μt ये फैक्टर तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, 2μt का ही आंसर था ये सारा 2800। नाउ इस बार मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि ये सिचुएशन में मैं देखूंगा कि 1400 नैनोमीटर में भी हमको एक बैंड मिल सकता है, लेकिन वो सेकेंड ऑर्डर बैंड होगा, सेकेंड ऑर्डर डार्क होगा। नाउ व्हाई नॉट टू सर्च फॉर द थर्ड पॉसिबिलिटी, दैट इज N3। अगर हम n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो यहां मुझे n इज इक्वल टू 3 पुट अप करने पे क्या मिलेगा, 5λ/2। करेक्ट है ना, और उस 5λ/2 में ये λ/2 मैं इधर ले जाके प्लस कर दूंगा, तो 5λ/2 + λ/2, यानी कि इफेक्टिवली वैल्यू मुझे मिलेगा 3λ। तो क्या फाइनल आंसर कुछ ऐसा नजर आ रहा है, 2μt इज इक्वल टू 3λ। सही कहते हो? सो इसका मतलब हुआ लैम्डा इज इक्वल टू 2μt/3। देयरफॉर इस सिचुएशन में वो वेवलेंथ जो थर्ड नंबर के बैंड को करस्पॉन्ड करती है, अगर मैं वो कैलकुलेट करता हूं तो बेटा ये 2μt तो हमने ऑलरेडी निकाला है ना 2800, अब इसको 3 से डिवाइड कर दो आप, तो कितना हो गया 933.3 933.3 नैनोमीटर।
अब आप एक चीज यहाँ पे देखें कि ये जो नंबर्स मैं यहाँ पे निकालते जा रहा हूं, दे आर नॉट इन दिस रेंज, येट दे आर नॉट इन दिस रेंज। तो हमको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ी और पॉसिबिलिटी सर्च करनी पड़ेगी। अब आप इस पैटर्न को समझेंगे, ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। पहले सिर्फ लैम्बडा आ गया था, बाद में बाई टू हो गया, बाद में बाई थ्री हो गया। अब आप सोचें तो आगे क्या होगा, डिवाइडेड बाय फोर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं, लॉजिकल बात है, एन का वैल्यू जो यूज करूंगा वो मैं फोर यूज करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे एन का वैल्यू फोर यूज किया तो ये हो गया 7 लैम्बडा बाई 2। 7 लैम्बडा बाई 2 में लैम्बडा बाई 2 प्लस कर दूंगा तो वो हो जाएगा 8 लैम्बडा बाई 2। दैट मीन्स दैट विल बिकम अ वैल्यू ऑफ 4 लैम्बडा। तो क्या कैलकुलेशन मुझे एट द एंड ये मिलेगा, सोचें जरा बेटा, यस ठीक है ना। सो विद दिस मैं अगर कंटिन्यू करता हूं तो ये तो मैंने नंबर निकाल लिया है 2800 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आंसर क्या आएगा, 700 700। तो ये हमारी वो पहली वेवलेंथ की पॉसिबिलिटी होगी जिससे हमको डार्क बैंड बनता नजर आएगा, क्योंकि हमारे लिए जो रेंज अवेलेबल कराई है इन्होंने, ये 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर ही बताई है इन्होंने, ठीक है। बैंड नंबर वन बनने के लिए हमको 2800 नैनोमीटर चाहिए, वो तो है ही नहीं ना हमारे पास। तो यहां हमको बैंड बनता हुआ नजर आएगा। और इसने वही पूछा ना हमसे कि डिड्यूस द वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन मतलब इसी रेंज में हमने कंसिडरेशन करना है सारा, ओके, वायलेट टू रेड ऐसे हिसाब से। तो ये विजिबल रीजन में वो वेवलेंथ ढूंढ के निकालें जिन्हें हमें क्या मिलता है, डार्क बैंड मिलता है, या जिनके लिए हमें ब्राइट बैंड मिलता है। तो ये पहली वेवलेंथ आ गई। अच्छा, अब आप इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई अगर एन इज इक्वल टू 5 मैंने कर दिया तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग लैम्बडा क्या होगा, सोच के देखें, वाईफाई सोच के देखें भाई। अब थोड़ा सा दिमाग चलाएं ना आप। अब ये कैसे आया, तो n इज इक्वल टू 5 करें, वैसे भी हम लोग डार्क बैंड पे काम कर रहे हैं, तो n की जगह पे 5 रखा, 10 माइनस 1 9 लैम्बडा बाई 2 हो गया। 9 लैम्बडा बाई 2 में लैम्बडा बाई 2 हमने प्लस किया तो 10 लैम्बडा बाई 2, 10 लैम्बडा बाई 2 विल गो वैल्यू ऑफ 5 लैम्बडा, लैम्बडा विल बिकम इक्वल टू 2 μt/5। सो 2800 डिवाइडेड बाई 5 कर दें आप यहाँ पे तो क्या एक्सपेक्टेड है, 560 560। तो ये भी वो वेवलेंथ है जो हमारे लिए पॉसिबिलिटी ऑफ डार्क अविल करा के दे देगी। हम इससे भी डार्क बना सकते हैं क्योंकि हमारी जो शुरुआत है वो तो 400 से है और हमको मैक्सिमम जाना है 750 तक, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो गई। चलिए अब सीक्वेंस को और आगे बढ़ाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हमने एन इज इक्वल टू 6 कर दिया तो क्या होगा, तो क्या करस्पॉन्डिंग लैम्बडा 2 μt/6 हो जाएगा, विच विल टेक अ वैल्यू ऑफ 2800। ये तो हमने पहले ही निपटा दिया है, डिवाइडेड बाय 6, तो लैम्बडा विल बिकम इक्वल टू 466.6 नैनोमीटर। ये भी हमको पॉसिबल होगा क्योंकि हमने शुरुआत तो करनी है 400 से और जाना है 750 तक, तो जब तक हम 400 से नीचे नहीं आते तब तक अलाउड होगा। और इसी ऑर्डर को अगर मैं और ज्यादा कंटिन्यू कर लेता हूं और आगे बढ़ता हूं और ये कहता हूं कि एन इज इक्वल टू 6 कर दिया मैंने, सॉरी 7 कर दिया, तो क्या लैम्बडा हो जाएगा 2 μt/7, विच विल टेक अ वैल्यू ऑफ 2800 डिवाइडेड बाई 7, एंड द करस्पॉन्डिंग आंसर फॉर दिस केस विल बी इक्वल टू 400 नैनोमीटर। ये भी अलाउड होगा ना, क्योंकि हम शुरुआत 400 से ही कर रहे हैं। बट नाउ सपोज इफ यू गो फॉर एन इज इक्वल टू 8, 8वें नंबर के बैंड को सर्च करते हैं, तो क्या इस सिचुएशन में ये 2 μt/8 हो जाएगा, सो दैट विल टेक अ वैल्यू ऑफ 2800 डिवाइडेड बाई 8। अब आप डिवाइड करें तो आपको आंसर 400 से छोटा मिल जाएगा। कितना मिल रहा है, तो 350 ये हो गया 350 नैनोमीटर। तो 350 नैनोमीटर वाली लाइट लाओ तो ये बैंड बनेगा, अदरवाइज ये बैंड नहीं बनेगा, ये वाला बैंड नहीं बनेगा, ये वाला बैंड नहीं बनेगा, ये वाला बैंड नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई इस थिकनेस के लिए, इस वेवलेंथ के साथ, इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस्तेमाल करते हुए, वीक यानी कि डार्क इंटरफेरेंस कराने के लिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने के लिए, वीक रिफ्लेक्शन कराने के लिए आपने जो वेवलेंथ पॉसिबली सर्च की हैं वो ये 4 वेवलेंथ हैं। ये इस तरीके का मामला हो गया यहाँ पे। अब आप सिमिलर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग के लिए कर सकते हैं, लुक एट द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब सिमिलर कैलकुलेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन के लिए करते हैं, यानी कि आप बनाना चाहते हैं ब्राइट बैंड,
तो क्या यही पार्ट डिफरेंस टू म्यू टी माइनस लैम्डा बाई टू आप मेंशन करोगे एन लैम्डा। अब यहां कहानी की जो शुरुआत होगी वो क्या होगी, एन इज इक्वल टू जीरो से होगी। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं सीधे सीधे बेटा, ये तो जीरो हो गया, ये लैम्डा बाई टू दूसरी तरफ ले आया मैं, तो क्या आंसर मुझे ऐसे मिलेगा? ठीक है ना, यस यस। सो दिस विल टेक अ वैल्यू ऑफ 5600। ये तो बहुत दूर चला गया, इस पे तो होगा ही नहीं हमारा, तो इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, n इज इक्वल टू वन करते हैं। जैसे ही मैंने n इज इक्वल टू वन किया लैम्बडा कितना होगा, दिमाग चलाएं जरा। तो देखिए यहां सोचें, ये लैम्बडा है, ये लैम्बडा बाई टू आके इसमें प्लस हो गया, कितना हुआ फिर, थ्री लैम्बडा बाई टू, समझे ना बेटा, लैम्बडा बाई टू प्लस हो रहा है ना, थ्री लैम्बडा बाई टू। तो क्या ये ऐसा होगा, सोचे जरा अपने लेवल पर कैलकुलेशन करें आप, कर ले जरा इस चीज में n इज इक्वल टू वन रखें और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्बडा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो क्या ये इसी तरीके से नजर आएगा? अब टू म्यू टी का वैल्यू तो हमने पहले ही निकाला है 2800 डिवाइडेड बाय ये, आप अब इसको थ्री से डिवाइड कर दें आप, क्या आएगा बताएं, 1866.6, सो दैट विल टेक अ वैल्यू ऑफ 1866.6 नैनोमीटर। ये भी जो आंसर है हमारा, ये नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में चला जाता है ना। तो अब हमको ऐसे और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए, तब जाके कहीं हमको एक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ आइडेंटिफाई हो जाएगी जहां पे हम कह सकते हैं कि भाई ये फाइनल आंसर होगा इसका। गेटिंग इट? यस। जस्ट n इज इक्वल टू 3 मैं आपको एक समझा देता हूँ, हालांकि आएगा नहीं, मुझे 5 तक जाना पड़ेगा शायद, लेकिन फिर भी मैं n इज इक्वल टू 3 आपको समझाता हूँ। आपने बस करना ये कि यहाँ पे आपने 3 पुट अप करना है, तो 3 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2 दैट विल टेक अ वैल्यू ऑफ 7 लैम्बडा बाई 2, ठीक है ना, 7 लैम्बडा बाई 2। तो क्या फाइनल आंसर ये होगा? सोचें आप, 800 भी जो है हमारा रेंज से बाहर ही है, क्योंकि हम मैक्सिमम कहां तक जाते हैं, 750 तक। अच्छा यहां बताएं, आप क्विकली बताएं, सोचें, n इज इक्वल टू 4 रखा मैंने, 4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2 यानी कि 9 लैम्बडा बाई 2 है ना, तो क्या लैम्बडा हो गया 2 इंटू 2800 डिवाइडेड बाई 9। आप बताएं, चलो एक तो आंसर आने दो, यस 622.2 नैनोमीटर। तो ये हमारी रेंज में आ गया। अब आप ऐसे 3-4 और वैल्यूज को सर्च कर सकते हैं जिसके लिए आपका क्लेम ये होगा कि ये वो वेवलेंस हैं जिनके लिए हम ब्राइट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या डार्क, सॉरी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो विद इन दिस रेंज जितने भी नंबर्स आते हैं उन सभी नंबर्स को आपने सर्च करना है, और ये कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। अगर आप इसको बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो ये होगा 2 इंटू 2800 डिवाइड बाई 11, 2 इंटू 2800 डिवाइडेड बाई 13, 2 इंटू 2800 डिवाइडेड बाई 15, अगर आप सीरीज को इसी तरीके से आगे ले जाते हैं। देखना उस वक्त आपने अपने कैलकुलेशन को रोकना है जब आप 400 से नीचे तक के नंबर पर चले जाते हैं, और कोई भी वो वैल्यू जो 750 से बड़ी आएगी वो भी रिजेक्ट होगी, और 400 से छोटी वैल्यू आएगी वो भी रिजेक्ट होगी। विद इन दीज टू नंबर्स 400 टू 750 जो भी वैल्यूज आएंगी उसके लिए हम कह सकते हैं कि ब्राइट यानी के स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। आ गया समझ में? यस, ठीक से, यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आपने इसको ट्राई करना है, गड़बड़ करके काम ना करें,
छोटा सा मैं इसका हिंट आपको बता देता हूं, सिर्फ कंडीशंस आपने लिखनी है यहाँ पे। ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कोटेड विद अ लेयर ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8। तो जरा ध्यान से समझें कि हमारे पास पहले से एक ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट हमारे पास पहले से लगी हुई है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.5 है, इसके ऊपर एक फिल्म को हमने कोट कर दिया है जिसका कोई थिकनेस हमें बताया जा रहा है टी है, तो ये थिकनेस इसका टी है, लेकिन इस फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8। अब लाइट की रे जो आएगी वो बेटा ऊपर से आएगी, याद रखना ऐसे, तो ऊपर तो एयर है, एयर के लिए ये फिल्म वैसे ही डेंसर है, तो जो रे यहां पलट के रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है उसमें तो आ गया λ/2 बिना किसी ज्यादा टेंशन के, ये बात तो समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आपने रिफ्लेक्टेड रेस के इंटरफेरेंस की सिर्फ कंडीशन लिखनी है और एक लीस्ट वैल्यू ऑफ थिकनेस टी पता करनी है जिसके लिए हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये काफी आसान होगा, आप इसको ट्राई करें, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सारी बातों को मैंने ठीक ठाक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इंटरफेरेंस की कंडीशंस का मजा लेते हैं कहिए, या उसकी और वैरायटी को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरफेरेंस को हमने अब तक अलग अलग सेक्शंस में कवर करने की कोशिश की है। आपको याद होगा बिल्कुल बिगिनिंग में जब मैं आपको इंटरफेरेंस सिखा रहा था, यहां से 8-9 लेक्चर आप पीछे चले जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां पे हमने इंटरफेरेंस का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होती है, इंटरफियर करने का ही मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कब बनते हैं, पाथ और फेज डिफरेंसेस कैसे कैलकुलेट किए जाएं, इंटेंसिटी का एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, आईमैक्स आईमिन के रेशियो कैसे निकाले जाएंगे, फ्रिज विजिबिलिटी कैसी कैलकुलेट की जाएगी, एंड लॉट ऑफ थियोरी। वहां पे हमने किसी एक्सपेरिमेंट की बात नहीं की। अब जब थियोरी पूरी हमारी हो गई तो फिर हमने एक्सपेरिमेंटल लेवल पे जब बात अपनी शुरू की तो पहला पायोनियरिंग एक्सपेरिमेंट जो हमारे सामने आया वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते गए हम, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ही हमने देखा कि ऑब्लिक इंसिडेंस अगर होता है, स्लिट पर सीधे लाइट नहीं आती है बल्कि ऐसे तिरछे आती है, तो फिर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, इस पर डिस्कशन किया। फिर थोड़ा हम और आगे बढ़े और देखा कि भाई इंटरफेरेंस बाय यूजिंग बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, एक और नया एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया जिसके थ्रू हमने इंटरफेरेंस को सीखा। अब पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात करते आ रहे हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, तो हमें इससे एक जनरल आइडिया ये पता चलती है कि इंटरफेरेंस अलग अलग तरीके से अलग अलग अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए कराया जा सकता है। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, अल्टीमेटली हमें सिर्फ लाइट को इंटरफियर यानी कि सुपर पोजिशन के हिसाब से अरेंज करना है। कुछ कर लें आप, कोई एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन बना दें जिसमें लाइट सुपर इम्पोज हो सकती है, और अगर हमने कुछ मोनोक्रोमेटिसिटी और कोहरेंसी का क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, इंटरफेरेंस की स्टेडी पैटर्न का क्राइटेरिया अगर हमने फुलफिल कर दिया तो वी आर डन विद द एक्सपेरिमेंट, हमको बाकायदा बैंड बनते हुए नजर आएंगे। अब इसी सीक्वेंस में दो और एक्सपेरिमेंट हैं जो हमारी बुक में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, हल्का फुल्का उनका इंट्रोडक्शन हमारी बुक में रखा गया है, तो एग्जामिनेशंस में भी मैं देखता हूं कि कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो नीट हो या जेईई के एग्जामिनेशन हो या इवन टू सम एक्सटेंट अ टच हैज बीन गिवन इन द सीईटी एग्जामिनेशन। तो इन एक्सपेरिमेंट को हम बहुत ज्यादा डीप में जाके कवर तो नहीं करेंगे जैसे हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और बाइप्रिज्म को कवर किया था, लेकिन हम इनकी एक आइडिया और इसका एक थीम और इसका एक स्कीम जरूर समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला जो एक्सपेरिमेंट हमारे सामने है वो है लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मैं समझता हूं कि सीधा साधा एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल भोला भाला जैसे कहेंगे हम, एकदम आसान सा एक्सपेरिमेंट, ज्यादा कोई तामझाम नहीं है कि भाई आपको मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस लाने पड़ेंगे और ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, डार्क रूम बनाना पड़ेगा या ऐसा वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा एक मिरर ले लें आप, 2-5 रुपए में आपको कहीं मिल जाएगा, और उस मिरर का आप इस्तेमाल करके इंटरफेरेंस करा दें। अब आप सोच रहे होंगे ये इंटरफेरेंस होगा कैसे, तो इसका एक स्कीम मैं पहले आपको समझा दूं कि यहाँ पे हमें काम कैसे करना है। सबसे पहले तो हम एक मिरर को कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये मिरर है लाइक दिस,
ठीक है, इसमें ये जरूरी है कि हम मिरर की लेंथ को डिफाइन कर दें कि ये मिरर कितना लंबा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते वक्त बाद में हमको इसकी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, विड्थ कितनी है मिरर की, इससे कोई लेना देना नहीं है। मिरर आपने कितना चौड़ा इस्तेमाल किया, इससे कोई फॉर्मूले में कोई इन्वॉल्वमेंट इसका नहीं है, लेकिन लेंथ हमें जरूर बतानी है। तो ये हमने मिरर ले लिया। मिरर से कुछ दूर अपनी कन्वीनियंसी से आप क्या करें, वॉल या स्क्रीन लगा दें आप। तो ये वॉल या स्क्रीन, वॉल एज अ स्क्रीन ऐसे समझ लें आप। मिरर के इस एज से आपने इस स्क्रीन को कितनी दूर रखा है ये भी प्रॉपरली स्पेसिफाई होना चाहिए। फिर आप देखें, अब आप एक सिंगल लाइट का सोर्स मिरर के प्लेन से, उसकी लाइन ऑफ लेंथ से हट के थोड़ा सा ऊपर कहीं भी होल्ड करें, नीचे नहीं, नीचे रखोगे तो काम नहीं होगा क्योंकि ये मिरर का ओपेक सरफेस है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर है। तो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से थोड़ा सा ऊपर आपने क्या करना है, एक सोर्स होल्ड करना है। तो ये हो गया अपना सोर्स S, एक ही सोर्स लेना है आपने। तो वैसे देखा जाए तो यंग्स डबल स्लिट और एक्सपेरिमेंट और बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट और इतने लंबे चौड़े कहानियां जो हमने बनाई उसके हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल ही जिसको बोलेंगे एक जुगाड़ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है। क्या नहीं, खाली एक मिरर ले लिया, स्क्रीन भी लगाने की जरूरत नहीं है, दीवार का इस्तेमाल कर लें, लाइटें बंद कर दें, ये सोर्स ऑन कर दें, दीवार पे देख लें इंटरफेरेंस, इतना इंटरेस्टिंग। तो यहाँ जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं वो चलो मोनोक्रोमैटिक है, सिंगल कलर का है, कोई भी एक कलर आपने यहाँ पे चॉइस कर लिया और अब आप अपना काम कर रहे हैं। अब ये होगा कैसे, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि लाइट जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो, और वो लाइट जो वॉल तक डायरेक्ट जाती है, ये दोनों इंटरफेयर करेंगे। कैसे, तो लेट से कि मिरर के पहले एज पे लाइट ऐसे गिरी, कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा इसका, उसके बाद रूल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये लाइट यहां चली गई। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना चाहिए, इस जगह पे अगर मैंने नॉर्मल निकाला ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए, याद रखें बात। आप ये इतनी ज्योमेट्री समझ आती है ना सबको मैडम? हाँ, तो ये लाइट यहां चली गई। अब ख्याल रहे कि ये जो लाइट है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रही है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लाइट बिना मिरर पे टकराए सीधे सीधे यहां जाके पहुंचे, लाइट को हमने रोका तो नहीं ना जाने से। तो इंटरफेरेंस जो होगा वो इन रेज में होगा जो डायरेक्ट पहुंच रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन पहुंच रही हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहता हूं बेटा कि ये पॉइंट पी है मेरा, तो जो लाइट रे डायरेक्ट आ रही है आप उसके पाथ को चेक करो, और जो लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है आप उसके पाथ को चेक करो, तो आपको फर्क दिखेगा, दोनों के पाथ में डिफरेंस है। और यहां पर अगर वो आके ओवरलैप करती हैं, या कह लीजिए कि इनका सुपर इम्पोजिशन हो जाता है, तो दे आर कमिंग विद हैविंग सर्टन पार्ट डिफरेंस, एंड इफ दिस पार्ट डिफरेंस मैचेस विद द क्राइटेरिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंडीशन तो यहाँ पे ब्राइट नजर आएगा हमको, एंड इफ इट मैचेस विद द क्राइटेरिया ऑफ डिस्ट्रक्टिव कंडीशन तो यहाँ पे हमको डार्क नजर आएगा। तो इसका दूसरा साइड ये भी है कि मिरर से सॉरी सोर्स से मिरर के दूसरे एज पे जो लाइट जा रही है उसको भी तो आपको लेना है, उसको भी लेना पड़ेगा आपको। तो हो सकता है वो लाइट यहां तक पहुंचे ऐसे, तो ये लाइट ऐसे और ये ऐसे, और डायरेक्ट पहुंचे लाइट ऐसे। तो गौर करने वाली बात है कि सिर्फ इतने सेक्शन में ही आपको इंटरफेरेंस के बैंड्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये क्यू पॉइंट है, सिर्फ इतने सेक्शन में ही, क्योंकि मैंने दोनों जो लाइट रेज चॉइस करी है ना वो बिल्कुल एजेस पर, अब इससे पहले तो लाइट नहीं होगी, इसके बाद में भी लाइट नहीं होगी, जो भी लाइट मिरर पे गिर रही होगी इसके बीच में ही गिरेगी। अब इसके बीच में जो लाइट गिर रही होगी इन दोनों एजेस के, तो उसे पहुंचना तो यही है। ये हमारी जिसको जिसको कहते हैं ना इमेज बनने वाली साइट है, फील्ड ऑफ व्यू जिसे हम बोलते हैं, समझ रहे हैं बात? तो ऐसा नहीं है इसमें कि जैसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करते हैं कि लॉट एंड लॉट ऑफ बैंड्स, पूरा इन्फिनिटी तक बैंड्स बनते जा रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ही हमको बैंड्स बनते हुए नजर आएंगे। बट वी हैव वन क्वेश्चन हियर, वी हैव वन डाउट हियर।
एंड विच इज जेन्युइन, विच इज यू मे से सीरियस डाउट। इंटरफेरेंस कराने के लिए हमें दो अलग अलग लाइट सोर्सेस की जरूरत होती है, और यहां तो दो अलग अलग लाइट सोर्सेस नहीं है, तो सिंगल सोर्स है, तो कैसे होगा? क्योंकि अगर मैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला किसी लेवल पे अप्लाई करता हूं, तो वो तो ये बनता है ना, लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। तो ये स्मॉल डी कहां से लाएंगे हम? बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, ये कहां से लाएंगे? तो इसके लिए हमको एक बेसिक लाइट के बेसिक बिहेवियर पे ध्यान देना पड़ेगा। आप इमेजिन करो कि कोई बंदा अगर यहाँ खड़ा है, यहाँ वो लाइट को देख रहा है, तो वो इस लाइट रे को कैसे इमेजिन करेगा? सीधे। तो अगर वो इस लाइट रे को सीधे इमेजिन करेगा, तो वो यही सोचेगा ना कि ये लाइट रे यहां से आ रही है। यस पता है ना, अपेरेंट इमेज बनने का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं ना, क्योंकि हमारे दिमाग को तो ये पता नहीं पड़ता कि लाइट बेंड कैसे हो रही है। बायोलॉजिकली हम लाइट को जब देखते हैं, उसे परसीव करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में ये फिट है कि लाइट सीधा ही चलती है। तो हम ये इमेजिन करने लग जाएंगे कि ये वाली लाइट रे ऐसे आ रही है, यहां से कहीं से आ रही है। अच्छा, इस लाइट रे के बारे में भी हमारा ओपिनियन यही बनेगा, ये लाइट रे कहां से आ रही है, तो हम इमेजिन करने लग जाएंगे कि ये वाली लाइट रे यहां कहीं से आ रही है। तो अपने आप हमको यहाँ पे एक सोर्स बनता हुआ नजर आएगा, हम कह सकते हैं ये सोर्स S2 है, और ये जो ओरिजिनल सोर्स है इसे हम S1 नाम देंगे, और ये जो इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एपरेंट सोर्स यहाँ पे बनता हुआ नजर आया, वर्चुअल सोर्स जिसे हम कहेंगे, ये S2 हो गया। अब आप इन दोनों सोर्सेस के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो आप इमेजिन मेजर कर लें, तो ये D कहलाएगा। और ये चीज एक फंडामेंटल कैलकुलेशन है जो हमने प्लेन मिरर्स को पढ़ते वक्त सीखा था, कि प्लेन मिरर के जितना सामने सोर्स रखा जाएगा, इमेज उसके उतना ही पीछे की तरफ बनेगी। याद आ रहा है कुछ? 11th में सीखा था हमने, प्लेन मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिल्कुल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये प्लेन मिरर के प्लेन के ऊपर जितनी हाइट पर है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर है ना, तो ये दूसरा वाला 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, तो खुद ब खुद हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये डिस्टेंस डी कितना है। ठीक हो रही है बात? अगली चीज है यहाँ पे कैपिटल डी निकालना। अब कैपिटल डी बेटा होता है ये सोर्सेस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, तो ये भी डायरेक्ट है, ये भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लैम्बडा तो वेवलेंथ है, फ्रिंज विड्थ हम कैलकुलेट करेंगे, या अगर हम यहाँ फ्रिंज विड्थ गिन लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वेवलेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आर थिंग्स क्लियर? अब इसमें ना हमको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है, कुछ बहुत ही फंडामेंटल बातें, जैसे कि जो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचती है, याद रखें यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये मिरर तो डेंसर मीडियम ही माना जाएगा, तो जो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पहुंचती है, तो बिकॉज ऑफ फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें एक एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वो क्या है? बोले जरा जोर से बोले, वो कितना है? वो पाई पाई फेज डिफरेंस हो गया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पाथ। तो एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? लैम्बडा बाय टू। व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप फेज के लैंग्वेज में बात करोगे तो एडिशनल फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा, और अगर आप पाथ डिफरेंस के लैंग्वेज में बात करोगे तो एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय टू हो जाएगा। सो कैलकुलेशन करते वक्त हमको इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट करके पहुंच रही है, वो एडिशनली अपने साथ एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस को ऑलरेडी कैरी कर रही है, एंड दैट इज लैम्बडा बाय टू। दूसरी एक कंडीशन जो मेरा ख्याल है एग्जामिनेशन में पूछी गई है इससे पहले, कि अगर हमने इस स्क्रीन को मिरर के इस एज पर, मिरर के इस एंड पर टच कर दिया, जैसे आप इस डायग्राम को देखें, ये मिरर के एंड पे मैंने इसको टच करवा दिया, ये मिरर है, ये स्क्रीन बिल्कुल इसको टच कर रही है, तो यहां क्या होगा? तो ये एक फिक्स क्राइटेरिया है, फिक्स कंडीशन है कि जिस पॉइंट पर मिरर और स्क्रीन टच कर रहे होंगे, वहां पे हमेशा डार्क ही बनेगा। ये फिक्स क्राइटेरिया है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लाइट रे यहां पहुंची और जैसे ही पहुंच गई रिफ्लेक्ट हुई, लैम्बडा बाई टू आ गया, और लाइट रे जो डायरेक्ट आई है जस्ट पहुंचने के बाद, जो लाइट रे डायरेक्ट पहुंची है, आप उन दोनों के पाथ में ज्योमेट्रिकली कोई फर्क नहीं है,
समझ पा रहे हो ना बात? इसके साथ पैरेलली और एक लाइट रे आ रही होगी जो जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट पहुंची है, और इसके जस्ट नीचे एक लाइट रे होगी जो मिरर्स के एकदम कॉर्नर पे टकरा के ऊपर पहुंची होगी, तो जो रिफ्लेक्शन के बाद आई है उसमें एडिशनल पार्ट डिफरेंस आएगा लैम्डा बाई टू का, और जो हल्का सा डायरेक्ट आई है उसमें कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। अब ये दोनों अगर ओवरलैप कर जाते हैं तो दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा बाई टू, और लैम्डा बाई टू पे क्या बनता है? तो ये कंडीशन आपने अच्छे से याद रखनी है कि अगर आप मिरर को और स्क्रीन को टच करवा देते हो तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल ऑलवेज बी अ डार्क पॉइंट। क्लियर हो गई बेटा बात? Yes. अब आपने इसमें डार्क और ब्राइट बैंड की कंडीशंस को अच्छे से समझना है, याद रखना है। इसकी डेरिवेशंस बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, ये इसके कंडीशंस हैं कि ब्राइट कब बनेगा और डार्क कब बनेगा। अब आप देखेंगे तो पूरे उल्टे हैं, रिवर्स कंडीशंस हैं ये। जो कंडीशन हम आम तौर पे ब्राइट बैंड को बनाने के लिए दे रहे थे वो कंडीशन अब किसको देंगे? डार्क। और जो कंडीशन हम आम तौर पर डार्क बैंड बनाने के लिए दे रहे थे अब वो किसको देंगे? ब्राइट बैंड को। और आप कह लें S2P या S1P का जो डिफरेंस हम लोग निकालते हैं ये कुछ और नहीं है बल्कि ये डिफरेंसेस कुछ और नहीं बल्कि पार्ट डिफरेंसेस है। ओके विद दिस? सो इतनी इसकी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। इससे रिलेटेड हम कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इस मामले को जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। नाउ हियर आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक सोर्स है 500 एंगस्ट्रॉम, वन एंड ऑफ अ टेबल 200 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.5 सेंटीमीटर अबव इट्स फ्लैट पॉलिश्ड टॉप। तो ये मिरर की तरह काम कर रहा है। अब ये 200 मीटर है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, आप देखें इसको, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर है। फाइंड द फ्रिंज विड्थ। तो बस फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आप देखें, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। लैम्डा का वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, कितना है 500। सो मैं इसको एंगस्ट्रॉम से मीटर में लाता हूँ 10^-10। डी कितना है बता सकते हैं मुझे? 200। वेरी गुड, दैट इज 200 × 10^-2 इफ आई जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर। एंड स्मॉल डी कितना है बता सकते हो मुझे? 1 centimeter. Very good. That is 1 × 10^-2. So simply ये -2 -2 factor cancel out हो जाएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5. ये सारे zeros भी निपटा दो आप। तो ये हो जाएगा 5 × 2 × 10^-5. Calculation आप पूरा करें तो this will become 10 × 10^-5. That will become 1 × 10^-4 meter. If you just write it as 0.1 × 10^-3 meter, so you can give a conclusion 0.1 millimeter. ठीक हो गया? Yes. आसान था क्वेश्चन ये? Yes or no? Yes. हाँ, अब थोड़ा सा काम वाला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। Now in a Lloyd's mirror experiment, जिसकी लेंथ जो है ये 5 सेंटीमीटर है, इसको हमने इल्यूमिनेट किया मोनोक्रोमेटिक सोर्स, 600 नैनोमीटर वेवलेंथ लगाई, स्लिट 1 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स प्लेन, प्लेस नहीं होना चाहिए ये, प्लेन होना चाहिए, एंड 5 सेंटीमीटर इन इट्स प्लेन नियर द एज। तो 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ और 1 मिलीमीटर ऊपर की तरफ। फाइंड द फ्रिंज विड्थ ऑन अ स्क्रीन 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट एंड विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ये जरा तकलीफ वाला काम है, ठीक है, विड्थ निकालना है हमने। तो मैं एक डायग्राम पहले यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करता हूँ, आई में से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मान लो बेटा स्क्रीन है, ये मिरर हो गया, कहीं आपने मिरर ऐसे लगा दिया, ठीक है। मिरर की लेंथ हमको इसने बाकायदा बता दिया है कि ये मिरर की लेंथ जो है ना ये 5 सेंटीमीटर होने वाली है, ठीक है। यहां से 5 सेंटीमीटर पीछे ये भी 5 सेंटीमीटर होने वाला है, और आपने 1 मिलीमीटर ऊपर लेना है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर ही लेता हूं इसको ताकि मैं आपको डायग्राम प्रॉपरली समझा सकूं। तो ये हो गया 1 मिलीमीटर, ठीक हो रही है बात? यहां आपने सोर्स रखा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर है राइट फ्रॉम स्लिट टू द स्क्रीन, टोटल 120 है। अगर ये टोटल 120 है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये 110 होना चाहिए, ये डिस्टेंस,
लेट से कि ये पॉइंट ओ है, ठीक है, लेट से कि ये वाला पॉइंट ए है और लेट से कि ये वाला पॉइंट बी है, मिरर के रेफरेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये डिस्टेंस जैसे हमको बताया 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली ये इनकरेक्ट है डायग्राम, क्योंकि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 110 ये कंपेरेबल नहीं होने चाहिए, ये स्क्रीन काफी दूर होनी चाहिए। बट आइए अब इसके कैलकुलेशन को समझते हैं। अगर मैं डायग्राम को फर्दर कैरी करे बगैर डायरेक्टली फ्रिंज विड्थ पर काम करने लग जाऊं तो सारा डेटा मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, लैम्डा 600, लेट्स टेक इट इन नैनोमीटर, या चलो मीटर कर देते हैं, 10^-9, कैपिटल डी 120, 10^-3, नीचे -2, सॉरी सेंटीमीटर है, नीचे 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, शाबाश, क्योंकि मिरर से जितना ऊपर सोर्स रखा जाएगा उसकी इमेज उतना ही नीचे बनेगी। ये रूल आप याद करें, मैंने आपको 11th में बहुत बार पढ़ाया है प्लेन मिरर को, इस कंसेप्ट को हमने कई बार अप्लाई किया है कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेन मिरर के लिए हमेशा सेम होता है। सो दिस विल टेक अ वैल्यू ऑफ 2 मिलीमीटर, विच मीन्स 2×10^-3। नाउ डू द कैलकुलेशन, टेल मी व्हाट इज द आंसर, कितना आ रहा है आंसर इसका? यस, फटाफट बताएं, थर्टी सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव, ये दो तो चले गए, ये बचा -6, ऊपर आया -3, -3 होना चाहिए, देखो नहीं -8, हाँ -8 में से तीन गया -5 मीटर। आप इसको सॉर्ट आउट करके 0.36 10^-3 की बजाय सीधे सीधे मिलीमीटर लिख सकते हो। अब ये कोई खास बात नहीं, इस कैलकुलेशन में कोई मतलब ज्यादा लॉजिक नहीं है, एक बार हमने उसकी सेंट्रल आइडिया पकड़ ली कि भाई फ्रिंज विड्थ कैसे निकालना है तो बात क्लियर हो जाती है। द क्वेश्चन ऑफ चैलेंज इज दैट कि हमको इंटरफ्रेंस पैटर्न का विड्थ निकालना है, कि कितना बड़ा इंटरफ्रेंस पैटर्न यहाँ पे बनेगा। इसके लिए हमको रे डायग्राम प्रॉपरली ट्रेस करनी पड़ेगी। लेट्स से कि लाइट रे यहां से निकलती है, ये पहले एज पे मैंने दिखाई इसको, और बिल्कुल ज्योमेट्री को अच्छे से फॉलो करते हुए देखूं तो यहां तक पहुंचती है। बाकायदा अगर मैं यहां पे एक एंगल निकालूं तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम होने चाहिए ज्योमेट्रिकली, सही है ना बेटा? यस। तो ये हमारा पॉइंट है पहला, जहां तक हम मैक्सिमम पैटर्न को देख सकते हैं, जहां हमको पैटर्न दिख सकता है, ठीक हो रही है बात? यस। ये पॉइंट हो गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट जहां पर हम पैटर्न को देख सकते हैं। ऑफ कोर्स लाइट डायरेक्ट भी जा सकती है ऐसे, और एक्चुअल जो इंटरफ्रेंस होगा वो डायरेक्ट पहुंचने वाली रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ही होगा, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। अब देखते हैं कि दूसरे एज पर जो लाइट जा रही है उसका क्या मामला है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करता हूं ताकि हमको एक फीलिंग आए। तो ये लाइट रे यहां से निकली और ये दूसरे वाली एज पे चली गई। यहां पे भी मुझे रूल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है अच्छे से, तो मैं कोशिश कर रहा हूं बराबर के यहां तक पहुंचा। इस केस में भी अगर मैं यहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालूंगा तो ये ज्योमेट्रिकली इक्वल होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो मिनिमम यानी कि लोवेस्ट पॉइंट है हमारा इंटरफ्रेंस को देखने का वो ये है। अब जो भी बैंड बनेगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा, कितने बैंड बनेंगे वो भी हम निकाल सकते हैं एक्चुअली, अगर हमें ये लेंथ पता चल जाती है, भाई एल, ये लेंथ एल है अगर मैं कहूं यहां से लेकर के यहां तक, तो फिर हम फ्रिंज विड्थ का इस्तेमाल करते हुए इस लेंथ को कैलकुलेट कर लें एक बार, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि इसमें कितने बैंड बैठेंगे, कितने बैंड इसमें सम हो जाएंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर डायरेक्ट पहुंचने वाली लाइट रे भी होगी, ऑब्वियस बात है,
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ये लाइट अकेले की, तो डायरेक्ट पहुंचने वाली लाइट भी ऐसे होगी। ऑफ कोर्स अगर हम इमेजिन करें तो ये लाइट रे हमको सीधे पीछे आती हुई नजर आएगी ऐसे, और ये वाली लाइट रे हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको हम ट्रेस करें तो ये हमको आती हुई नजर आएगी ऐसे, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर हमको कहीं दूसरा सोर्स देखने को मिल रहा है, और ये गैप भी जो है अगर हम ठीक ठाक तरीके से क्लेम करें तो ये भी 1 मिलीमीटर है। करेक्ट हो रही है बात बेटा? यस अब इसमें ना एंगुलर कैलकुलेशन हमें करने हैं। यहाँ पे आपको अगर मिरर्स वाले कंसेप्ट अच्छे से याद हैं जो हमने क्लास 11th में सीखे हैं और पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं आप देख सकते हैं, तो वो प्लेन मिरर वाली ही सारे आइडियाज आपने यहाँ पे लगाने हैं ठीक से। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि यहाँ एक एंगल बन रहा है, लेट से कि ये एंगल थीटा वन है, तो इस दूसरे तरफ भी एंगल थीटा वन ही बनेगा अगर सोचा जाए तो, क्योंकि ये लाइट रे जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये तो। और उसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि यहाँ एक एंगल बन रहा है, इसे मैं कॉल करता हूँ थीटा टू, तो क्या मैं इस तरफ भी एक एंगल मेजर कर लूं तो ये भी थीटा टू हो जाएगा। अब आप सिंपली टैन ऑफ थीटा वन दोनों साइड से लिखें और टैन ऑफ थीटा टू दोनों साइड से लिखें और कंपेयर करें, आपका काम खत्म हो जाएगा। ट्रायंगुलर ज्योमेट्री हम लोग प्लेन मिरर में बहुत हैंडल करते हैं ना, तो आइए यहां पे भी लगाते हैं। अब पहले तो हम लिखते हैं टेन ऑफ थीटा वन, दोनों साइड से लिखे हैं टेन ऑफ थीटा वन। इस साइड से अगर मैं लिखता हूं इस वाले ट्रायंगल में, देखो यहां से शुरू करते हैं ए पी ओ, देखा गया तो क्या लिखना चाहिए, पी ओ अपॉन 115 115, बिल्कुल सही है। और दूसरे साइड से आप टेन ऑफ थीटा वन ही लिखे हैं, आप दूसरे साइड से लिखे हैं लेकिन ये थीटा वन इस तरफ से लिखे हैं आप, तो यहां पे क्या होगा, ये 1 मिलीमीटर अपॉन ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक है ना। सो 1 मिलीमीटर को क्या मैं ऐसे लिख लूं 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, आपने अगर इन दोनों को कंपेयर किया तो आपको मिलेगा पीओ अपॉन 115 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 5। कैलकुलेशन करें और बताएं पीओ क्या होगा, 115 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय 5, 115 को 5 से डिवाइड कर दें आप और बाद में 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा ये, 10 सेंटीमीटर 10? 10 कहां से आएगा, अरे भाई 115 को पहले 5 से डिवाइड करें ना आप, पॉइंट 3 सेंटीमीटर। कोई बड़ा काम तो नहीं दिया था यार, आसान सा तो काम था। अब एग्जैक्टली यही तरीका आप अपनाएं थीटा टू के लिए, सेम अप्रोच, टेन थीटा टू आप लिखें, पहले बड़े वाले ट्रायंगल में लिखें आप, तो यानी कि ये वाला ट्रायंगल ले लें बी क्यू ओ, ये वाला ट्रायंगल ले लें आप, तो क्या लिखोगे आप, क्यू ओ अपॉन आप देखें 110, अच्छा सही है ना। और दूसरे साइड से आप फिर एक बार टेन ऑफ थीटा टू लिख दें दूसरे साइड से, लेकिन आपने ट्रायंगल ऐसा लेना है, यहां से लेना है ये ऐसा, ये वाला लेना है। अब आप सोचें यहाँ पे क्या लोगे आप टेन थीटा टू, सामने वाली साइड तो ये हो गई ना 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय ये 5 और ये 5, 10 हो गया, तो क्या लिखो, 0.1 बाय 10 0.1 बाय 10, आई होप आप समझ पा रहे हैं। थीटा टू ये वाला ट्रायंगल बी एस वन, ये मिडल पॉइंट जो भी नाम आप देना चाहें दे दें या छोड़ दें ऐसे ही, ये ट्रायंगल पूरा बी एस वन ये ऐसा, तो टेन का मतलब अपोजिट साइड हो गया, अपोजिट साइड 1 mm, 1 mm का मतलब हो गया 0.1 सेंटीमीटर, और ये एडजेसेंट साइड यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक 5, तो टोटल 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये हो गया QO अपॉन 110 इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 10, ये वाला कैलकुलेशन आप पूरा कर लें और बताएं कि QO कितना हो गया,
1.1 सेंटीमीटर। अब आप स्क्रीन पर ज्योमेट्री को देखें। आप आपने पहले निकाला पी से ओ, कितना लंबा है ये? 2.3। फिर बाद में आपने निकाला क्यू से ओ, कितना लंबा है? 1.1। आपको खाली ये बीच का सेगमेंट निकालना है। तो जरा बताएं तो मैं कैसे लिखूं ये एल? पीओ माइनस। हाँ, ये बताना ही चाहिए आपने, नहीं तो फिर मार खाने की बारी आएगी आपकी। पीओ माइनस ओ माइनस क्यू, ठीक है ना? तो आपने पीओ को कैलकुलेट कर रखा था 2.3, इसको आपने माइनस किया 1.1 से, यानी कि लेंथ ऑफ पैटर्न हमें कितनी मिली? 1.2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका काम पूरा, ठीक है ना? अब आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं कि इस लेंथ में कितने बैंड यहां पे बैठे, कितने बैंड यहां पे अपियर हुए। तो इसके लिए बस मैं फॉर्मूला देकर के इस लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूं फिलहाल। नंबर ऑफ बैंड्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन फ्रिंज विड्थ। अब इसका एक्सप्लेनेशन देना अलग से मैं जरूरी नहीं समझ रहा हूं। आ रहा है आपको समझ में? ये ओके। अब एक छोटा सा आर्टिकल है, वैसे देखा जाए तो बिलिट स्प्लिट लेंस का, बट इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स, तो आई डोंट थिंक इट इज लाइक फिजिबल टू कंटिन्यू विद द लेक्चर नाउ। अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करते हैं, और होपफुली अगली ही क्लास में हम शुरू करेंगे डिफ्रैक्शन से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो अगली क्लास बिल्कुल आपने मिस नहीं करनी है, ठीक? रुक जाए। Yes.